हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हमारी वीडियो होने वाली है, वो क्यू एंड ए वीडियो होने वाली है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये मेरी कीकू है, मीट माय कीकू। हेलो करो, हेलो हेलो। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किसका होता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी तन्मय का। तन्मय, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज, सारी वीडियोस पे मेरे कमेंट करने के लिए थैंक यू। तो तन्मय के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तन्मय के। तो तन्मय का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी एज कितनी है? तो मेरी एज 22 ईयर्स है तन्मय। मेरा बर्थ 7 अगस्त 2001 का है। और तन्मय का ही सेकेंड क्वेश्चन है, दीदी आप कितने बजे उठते हो? बाबू, हम उठते नहीं हैं, हमें ज़बरदस्ती उठाया जाता है, हमार को धमकियां देके उठाया जाता है। सोजा सोजा बेटा, और सोजा, अभी टाइम ही कितना हुआ है, तो और सोजा। हमार को धमकी दी जाती है, हम तब उठते हैं, लाते खा के उठते हैं हम। और थर्ड क्वेश्चन तन्मय का ही है, दीदी आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो तन्मय, मेरा बेस्ट फ्रेंड तो बहुत सारे हैं, बट जो मेरे दिल के सबसे करीब है वो है मेरे कान्हा जी, जिनसे मैं अपनी दिल की सारी बातें शेयर करती हूँ और जिनसे मैं कुछ भी कह देती हूँ, तो वो मेरे कान्हा जी हैं। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे कान्हा जी हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं किसका है। तो सेकंड क्वेश्चन है निखिल। निखिल का क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? फिलहाल तो नागिन बज रहा है। नहीं, नागिन नहीं है, बट तो चलिए मैं आपको गा के ही सुना दे। तो मतलब फर्स्ट है सलमान खान की मूवी का सॉन्ग है नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोने हो सुन ले मेरी दिल दिया गल्लां, करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के। तो सेकंड क्वेश्चन है मेरा, इस जहां में है और ना होगा मुझसा कोई भी खुश नसीब, तूने मुझको दिल दिया है, मैं हूं तेरे सबसे करीब। तो ये दो लाइंस भी और सॉन्ग्स भी मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे किसी ने क्वेश्चन करा कि आपकी फेवरेट हॉरर मूवी कौन सी है। तो हॉलीवुड की अगर बात करें तो हॉलीवुड में है मेरी कॉन्ज्यूरिंग, और बॉलीवुड की बात करें तो उसमें तो सबकी फेवरेट मंजुली का भूल भुलैया पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मेरे फेवरेट है। और उसका सॉन्ग तो ओ माय गॉड, आमी जे तो सुन मेरे प्यार की धुन, और एक और तेरी आंखें भूल भुलैया बातें हैं भूल भुलैया तेरे सपनों की गलियों में। हो गया, बोर कर दिया ना आपको, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजर नेम नहीं है कोई भी, उनका क्वेश्चन है कि आप सिंगल हो या आपका बीएफ है? भाई ऐसे क्वेश्चंस मत पूछा करो, घर परिवार वाले बंदे हैं, घर में रहना होता है, वीडियो देख के लात मार के घर से निकाल देंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस मत पूछा करो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन तो OMG, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है, निधि शर्मा, प्रीति, और जिनके यूजर नेम नहीं है उन सब ने भी बहुत क्वेश्चन करा। निधि शर्मा ने 2-3 बार पूछ लिया है कि प्लीज आप अपनी टिप्स शेयर करें कि आपका यूट्यूब चैनल कैसे इतनी जल्दी ग्रो कर गया। तो मैंने कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करी कि हाँ मुझे ये करना वो करना तो मेरा चैनल चल जाएगा। मैंने सिंपल बेसिक सा ना पहले सारी चीज़ों को नोट करा कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो इसकी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, अपनी फुल यूट्यूब जर्नी बनाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे चैनल क्रिएट करा, कैसे क्या क्या, फुल वीडियोस के आपको अलग से मैं बनाऊंगी, तो आप देखना। बट अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो देना पड़ेगा। तो मतलब सिंपली मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। मैंने अपना ना एक टाइम बांध रखा है जिस
टाइम पे ही मैं अपनी शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ और लॉन्ग भी उसी टाइम पे अपलोड करती हूँ, और एक ही टाइम रखती हूँ, रेगुलर वीडियो डालती हूँ, व्यूज़ आए चाहे ना आए, जैसा भी है मैं रेगुलर वीडियो डालती हूँ, मैं कभी भी मिस नहीं करती। एंड अपनी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी रखो, पहले मैं ठीक बनाती थी, अब मैं धीरे धीरे क्वालिटी में इम्प्रूव कर रही हूँ। और सबसे मेन थिंग ये एक ही कंटेंट बनाए। कई लोग पता क्या करते हैं, मैंने भी ये गलती अपना पहले कर रखी है अपने पहले चैनल में, जिसके बारे में डिस्कस मैं अपनी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें डिस्कस करूंगी। तो अलग अलग कंटेंट बनाते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा एक कंटेंट होना चाहिए जिसके ऊपर हम वीडियो बनाए, कभी कॉमेडी, कभी हेयर स्टाइल, कभी मेकअप, कभी ड्रेसिंग, तो मतलब कुछ भी नहीं करना, हमारे को अपना एक ही कंटेंट रखना है। हाँ, आपके सब्सक्राइबर गेन हो जाएंगे तब आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बट फिलहाल अगर आप न्यू हैं तो एक ही कंटेंट रखिए, ताकि आपकी ऑडियंस आपसे जुड़ जाए उस कंटेंट से रिलेटेड। तो खैर, मैं तो बस इतना ही करती हूँ। बाकी मैंने कैसे कैसे अपनी एडिट करी, चैनल एडिट करे, कहाँ क्या, बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसकी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, और वो वीडियो संडे तक ज़रूर आ जाएगी, तो आप देखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत ऑकवर्ड क्वेश्चन भी लोगों ने पूछा है, दीदी आप दिन में कितनी बार नहाते हो? भाई मेरा बस चले ना, सर्दियों में तो मैं एक दिन भी ना नहाऊं, कितनी बार नहाते हो तो दूर की बात है, बट नहाना पड़ता है यार, नहाना पड़ता है। हम काले लोग हैं, हम ना नहाए ना तो हमारी शक्ल पे पता लग जाती है हम नहाए नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी आपकी हाइट कितनी है? तो ये क्वेश्चन है प्रीति का। तो मेरी हाइट है 5'6", और ठीक है, मेरे को कभी लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा लंबी हूँ, बट ठीक है, जिनकी हाइट नहीं होती वो भी परेशान, जिनकी है वो भी परेशान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निखिल का ही है कि आपको डांस करना पसंद है? भाई मुझे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो किसी के भी फंक्शन, शादी पार्टी में पहुंच जाती हूँ, अगर मुझे बुलाया होता है नाचने के लिए, लोग पूछते हैं कौन है कौन है, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। और निखिल का ही सेकंड क्वेश्चन है कि आप वीडियो कहाँ पे शूट करते हो, कौन से फ़ोन से शूट करते हो, कौन सी ऐप आप यूज़ करते हो? तो मैं अपने एंड्रॉयड से भी शूट कर लेती हूँ, मैं अपने आईफोन से भी शूट कर लेती हूँ, एडिट में करती हूँ इन शॉर्ट से, बट अब मैंने VN भी यूज़ करना शुरू किया है, बट मेरे को इन शॉर्ट पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। और शूट में कैसे करती हूँ, मतलब मैं कोई रिंग लाइट वगैरह यूज़ नहीं करती, मैं तो कुछ भी मतलब डब्बे पे डब्बा रखे उसके ऊपर फ़ोन रख देती हूँ और अपनी वीडियो शूट कर लेती हूँ, मैं रिंग लाइट वगैरह यूज़ नहीं करती। और मतलब मेरे को कहीं भी बस फ़ोन अटकाने की जगह मिल जाए, मैं उसी में शूट कर लेती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिबेश मिता, सॉरी अगर मैं नेम गलत ले रही हूँ। तो मेरी क्यूटी पाई का क्वेश्चन है मेरे से कि आपके फेवरेट कलर कौन से है? तो मेरे फेवरेट कलर मैं बताई चुकी हूँ, ब्लैक है, रेड है, वाइट है, ग्रीन भी है, तो ये मेरे फेवरेट कलर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कहाँ से हैं? तो मैं गाइस हरियाणा फरीदाबाद से हूँ, फरीदाबाद हरियाणा, हरियाणा के छोरिया के डोलिया पे टैटू भोले नाथ, सॉरी 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 मैं कहीं भी शुरू हो जाती हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी पेट का नाम क्या है? मेरी पेट का नाम है किकी, किकी KIKI। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा न्यू बाई का, आपका फेवरेट मूवी एक्टर कौन है? तो मेरा फेवरेट मूवी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत है, एंड मेरी एक्ट्रेस जो फेवरेट है वो है दीपिका पादुकोण, एंड और कैटरीना कैफ। हाँ मतलब ज़्यादा मुझे दीपिका पादुकोण की एक्टिंग बाई ऑसम लगती है मेरे को, और उनकी लास्ट मूवी जो थी उसकी एक्टिंग तो ओ माय गॉड, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब
बहुत क्वेश्चन ना मेरे यही है कि आपकी यूट्यूब जर्नी इतनी जल्दी, आपको सक्सेस कैसे मिल गई, तो मोस्टली क्वेश्चन मेरे से लोगों ने यही पूछे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दीदी आप कौन सी लिपस्टिक यूज करते हो? मैं कोई एक लिपस्टिक यूज नहीं करती, हाँ बट, और ये क्वेश्चन है दीपा, दीपा का क्वेश्चन है ये। तो ऐसी कोई एक फिक्स नहीं है, मैं कुछ भी यूज़ कर लेती हूँ, मुझे जो मिल जाए, बट जो मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ वो हुडा ब्यूटी का चॉकलेटी कलर है, एंड एक है प्लम प्लम करके है एक, मैं उसका डार्क मर्जेंटा कलर यूज़ करती हूँ, जो करंटली मैंने लगा रखा है, बट मैंने बहुत लाइट लगा रखा है, डार्क नहीं कर रखा, वैसे वो लिपस्टिक बहुत डार्क है बट मैंने थोड़ा थोड़ा लगाया है लाइट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखे किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलोगे? पॉसिबल होता तो जरूर चलती। और क्वेश्चन है दीदी आप अपने बालों में क्या यूज करते हो? तो मैं अपने बालों में कुछ खास यूज़ नहीं करती, मुझे जो मिल जाता है मैं वो यूज़ कर लेती हूँ, बट हाँ मैं गिनी चुनी चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। लाइक मैं एक ही तरीके का शैम्पू यूज़ करती हूँ फिलहाल, करेंटली शैम्पू जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो हिमालय का मैं शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, कंडीशनर मैं पैंटीन का यूज़ करती हूँ, बाकी मैं कभी कभी चेंज कर लेती हूँ, ऐसा फिक्स नहीं है कुछ, बट अभी जो मैं बड़े टाइम से यूज़ कर रही हूँ वो यही शैम्पू एंड कंडीशनर है, और बाकी मैं कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो गाइस आज के लिए शायद इतना काफ़ी है, मैं थक गई बोल बोल के। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। ओह तो गाइज जिनके क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आंसर नहीं दे पाई उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी, तब तक के लिए वेट करना, फिलहाल के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, बाय।